नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। वो अंतिम समय आ चुका है जिसमें पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी होने का टाइम है। जी दोस्तों, साथ ही में दोस्तों केंद्रीय जो कर्मचारी है उनका DA 18 महीने का बाकी है, वो भी मिलने का समय आ चुका है। अब कैसे आपको पेंशन पूरी मिलेगी, कैसे नहीं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक देखें। जी दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 1-1.5-2 मिनट का वीडियो है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के जो जितनी भी सारी अपडेट होती है वो हमारे चैनल पर मिलती है, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए पिछले कई साल से धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, वो तो आप सभी को पता है, रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब पेंशन, ज़्यादातर कमेंट ये आते हैं कि सर अब हमें पेंशन कब से मिलने वाली है, अब हमें पेंशन है वो कब से मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको क्लियर क्लियर बता देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला तो अभी तक आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी कई सारे आपने देखे पत्र जारी किए गए, कई सारे फैसले आए जिसमें से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के काफ़ी संतुष्टि मिली, लेकिन अंतिम रूप से अभी तक कोई फैसला नहीं है। या जो अंतिम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है, वो फैसला अभी तक हमें नहीं मिला है। और उस फैसले से जब तक नहीं आएगा तब तक मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि मेरे पेंशन मिलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें आपको बड़ी खुशखबरी ये है कि EPFO आपको पेंशन दे रहा है, वो आंकड़ों के अनुसार पेंशन दे रहा है। वो एक पेस्ट सितंबर की बात थी, तो पेस्ट सितंबर तो अब आज है, तो देखते हैं कि आज के दिन EPFO आंकड़े जारी करता है या फिर कल के दिन आंकड़े जारी करता है। जैसे ही EPFO की तरफ से कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं आपको सबसे पहले आपके इस चैनल पर, आपके अपने इस स्पीड नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। ये आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम रूप से फैसला नहीं देगी तब तक हमें वो 75% DA वाली तो बात ही नहीं है, वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन EPFO किस प्रकार पेंशन देगा वो देखना ज़रूरी है। आज आपको पता चल जाएगा कि EPFO किस प्रकार से आपको पेंशन देने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।